नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार मीडिया नाउ। मैं हूं आपके साथ घनश्याम सिंह। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पूरी दुनिया में जोर शोर से मनाया जाता है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में योगा मनाने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रोल काफ़ी सराहनीय है। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आह्वान किया था कि योगा को पूरी दुनिया में 21 जून को मनाया जाए। महासभा ने प्रस्ताव आने के 3 माह के भीतर ही 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया। तब से हर साल योगा पूरी दुनिया में 21 जून को मनाया जा रहा है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी सहयोगी खुशबू झा, और वो आपको बताएंगे कि योगा का महत्व क्या है और योगा इंसान के लाइफ में कितना ज़रूरी है और हमारी जीवन को खुशहाल करने में वो कितना मदद करती है। हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी खुशबू झा, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे योगा के महत्व क्या है। खुशबू जी, आप बताइए कि योगा जो करते हैं लोग अपनी लाइफ में, वो इंसान की लाइफ में कितना महत्व रखता है? मैं आपको बता दूं कि योगा करने से हमें बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला कि ये, अगर हम योगा करते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि योगा करने से मन एकदम स्थिर रहता है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि शरीर का रक्तचाप एकदम बैलेंस बना रहता है। उसके बाद अगर आप नियमित रूप से योगा करेंगे तो आपको डॉक्टर के पास भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप 6 बजे से पहले योगा करेंगे तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपके दिनचर्या भी एकदम ठीक रहेगा और आपका मानसिक विकास भी होगा। ठीक है, हम जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये थे देखिए आपने खुशबू जी, जो कि आपको बताया कि योगा का महत्व कितना मायने रखता है हमारी लाइफ में।